असलकुम आप देख रहे हैं दुनिया डेड विद मालिक आप समझ रहे रोटी क्या कर रही है मेरे हाथ में आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू एक रोटी दो टुकड़े इसको हमने चार टुकड़ों में किया चार लोग हैं इस प्रोग्राम में इमेजिन कह रहे हैं हम आठ लोग हो जाएं आठ टुकड़े हो जाएंगे इसी को सोलह कर दीजिए इसी को बत्तीस कर दीजिए और एक वक्त आएगा रोटी ख़त्म हो जाएगी हम लोग ख़त्म नहीं होंगे ये पाकिस्तान का अलमिया है हम लोग बहुत ज़्यादा हैं ज़रूरत से ज़्यादा और शायद ये अच्छी बात होती अगर वो तालीम भी होती रिसोर्स भी होती लेकिन आज जो इमेज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पर लोग सिर्फ रमज़ान में खाना लेने के लिए दो औरतें अपनी जान खो बैठे जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं ये क्या हो रहा है आज हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और इसकी थीम वैसे तो थीम है एडलसेंट प्रेगनेंसीज यानी कि कम उम्र में जो माएँ बन जाती हैं उनके मसायल उन सब पे लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे हम जब छोटे थे तो हमने सुना बांग्लादेश जी बहुत ज़्यादा बंगाली हो गए हैं ये सारा तो यही खा जाते हैं जब पाकिस्तान और बांग्लादेश पैदा हुए तो हम छः करोड़ साठ लाख थे वो छः करोड़ अस्सी लाख थे आज हम उनसे तीन करोड़ ज़्यादा हैं उनकी मैशत भी हमारे से बेहतर है तालीमी मैार भी हमारे से बेहतर है अभी प्राइम मिनिस्टर गए चाइना गए सोना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करके आए आप चाइना से दस गुना प्रोजेक्ट्स ले आइए आई आप आईएमएफ एम एफ से पाँच कर्जे बड़े और ले लें लेकिन आपका कुछ नहीं बनेगा इसलिए नहीं बनेगा कि जो आपकी डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार आपकी पॉपुलेशन की जो एक्सप्लोजन है उससे बहुत थोड़ी है तो आप जितना भी करें कम है तो ये हाल क्यों है पाकिस्तान का क्या इसमें कोई मौलवियों का या उलमा जिनको हम कहते हैं उनका कसूर है कि जी वो मुसलमान बेहतर ना हो ज़्यादा हो क्या वो इसको अपोज कर रहे हैं या वैसे जहलीत है या हुकूमत की प्रायरिटी नहीं है हालांकि सबसे बड़ी प्रायरिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए आप जो भी मंसूबा बनाएंगे अगर आपका पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा वो तबाह हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज़ आपके पास कभी भी अनलिमिटेड नहीं होगी क्या करें हम पाकिस्तान में किस बात आगे बढ़ाएं इस पर आज हम बात करेंगे मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मोहतरमा सरैया जबी साहिबा सीनियर पॉपुलेशन स्पेशलिस्ट हैं सारी जिंदगी इसी मसले पर काम करती रही हैं उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैबा सत्तार ये कंट्री डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की अ वेरी हाईलीफेक्टिव एंड हाईली रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो इस शोबे में काम कर रहे हैं और हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद कमाल शाह साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएट ऑफ पाकिस्तान थैंक यू वेरी मच फॉर बीग वस डॉक्टर जेबा आपसे बात शुरू करते हैं आपकी मैंने वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंटेशन भी देखी तो उम्मीद भी थोड़ी सी जागी कि पिछले दस सालों में कुछ नहीं हुआ तीस परसेंट पर ही बैठी हुई थी लोगों की अवेयरनेस वगैरह वो शायद अब पाँच परसेंट बढ़ गई है पंजाब में थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन वैसे भी डिप्रेसिव हालात हैं आज हम सिक्स मोस्ट छठी नंबर पर हैं पॉपुलेशन में जिस हिसाब से हम जा रहे हैं आप लोगों के हिसाब से तो शायद अगले बीस पच्चीस साल में हम तीन मिलियन तीस करोड़ आप जाएंगे क्या होगा शुक्रिया बहुत बहुत मालिक साहब मैं कहती हूँ कि हालांकि है तो मामला बहुत संगीन मगर हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम जाग उठें इस वक्त जैसे आपने कहा कि अगर अवेयरनेस बढ़ जाए ख़ास परम की अवेयरनेस का मसला नहीं है इस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स पॉलिटिशनस आप लोग मीडिया में इसको इस टॉपिक को जैसे आपने आज रेज किया बहुत खुशी है इसको ज़्यादा अहमियत दें और प्रायोरिटी दें तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है और आवाम खुद चाह रही है कि इतनी बच्चे हों जितने बच्चे स्कूल भेज सकें और अपनी जो आपने कंट्रोल लफ्ज किया ढाई करोड़ बच्चा तो सब आपका सड़कों पर फिर जो स्कूल जा ही नहीं रहा तो वो तो अब एहसास बहुत ही यानी सबको हो गया है कि ऐसे होना नहीं चाहिए सब चाह रहे हैं तालीम अपने बच्चों के लिए और अच्छी एक डॉक्टर मुझे बताइए सह डॉएक्शन हमें यहाँ पर प्रेशन ये मिलता है कि शायद इसमें बड़ा वो कोई रिलीजियस बॉडीज़ अपोज करती हैं और ये मुसलमान गैर मुस्लिम कॉन्सेप्ट इस पर चल रहा है आप लोगों ने काम किया ईरान पे इंडोनेशिया पे बांग्लादेश पे सारे मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ का यहाँ का कंपैरिजन क्या बनता है कंपैरिजन बहुत ही स्ट्राइकिंग है क्योंकि एक एक मुस्लिम हमारे जो इंडोनेशिया सबसे लार्जेस्ट है मलेशिया बांग्लादेश आपने ख़ुद जिक्र किया उसका और ईरान तो मेरे ख्याल से एक मेरिकल है कि उन्होंने तो बहुत ही कम अरसे में अपनी जो फर्टिलिटी रेट हम जिसको कहते हैं जो मैार है जो जितनी बच्चे आ, बच्चे होते हैं औरत को ऑन एन एवरेज वो अब दो के करीब है फैमिली में और हम जो हैं अभी तक थ्री पॉइंट एट यानी चार के करीब जो एक फैमिली में एवरेज पूरी जिंदगी में बच्चे होंगे हाँ उन आ गई हमारी चार है जी हमारी बांग्लादेश की भी दो है बांग्लादेश की भी दो ईरान की दो से भी कम है और ये क्यों है क्योंकि ये सब ममालिक हैं तो हम जैसे मुसलमान ममालिक हैं उनको बहुत जल्दी रियलाइजेशन हुआ और तेज़ यानी उनको बहुत यकीन आ गया जल्दी कि अनलेस दे डू समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इशू एंड कोई उन्होंने इस तरह से हमें कोर्शन की ज़रूरत नहीं कोई कंट्रोल लव्स की भी जरूरत नहीं आप सिर्फ वो सर्विसेज मुहैया करें जो लोग खुद चाहते हैं बेहतर मुसलमान चाहिए।, well चाहिए आपने तो बड़ा काम किया इसके ऊपर क्या यहाँ पे हमारा क्या ये आप किसी से बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल की दो सवाल हमें एकदम जवाब सुनने को मिलते हैं वो जी तो मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है दूसरा जी फाशी है अगर आप ये करेंगे तो औरतें जो पता नहीं क्या मर्द औरतें करेंगे वो फिर अबॉर्शन भी होंगी प्रेगनेंसीज भी होंगी आप एजुकेट ना करें जब शादी होगी सीख जाएंगी और बंदा भी सीख जाएगा ये और बात है कि तबाहियाँ होती हैं और मैं यहाँ नाजीन आपसे एक स्टैटिस्टिक शेयर कर दूँ कि पाकिस्तान में बीस फीसद जो औरतें टोटल जितनी औरतें हर साल वफात पाती हैं उसमें से बीस फीसद सिर्फ ये प्रेगनेंसी के दौरान में फौत होती हैं कैंसर से भी ग्यारह फीसद से ऊपर नहीं टापता और बाकी तमाम वजूहत दस फीसद से नीचे हैं यानी कि एक प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है लेकिन यहाँ पे बन चुकी हुई है जालत की वजह से और यंग प्रेगनेंसी तो ये क्यों प्रेशन किस तरह बाकी मुसलमान मुल्कों में तो कोई इस्लाम ख़तरे में नहीं आ रहा ये इसमें कुछ तो पॉपुलेशन का हमारी जो अवाम है उनका असूल है कि वो जो बात सुनी सुनाई और पढ़े उलमा हैं इस मुल्क में बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि इस्लामी मीशत और इस्लामी माशरा कैसा होना चाहिए जिसमें सेहत का एक बहुत ऊंचा मकाम है तालीम का तो क़ुरान में जगह जगह ज़िक्र है और ताकलून का लफ्स बार बार अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है तो ये तो मुसलमान के लिए तो समझने और सोचने की बात है और सेहत का मकाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसको हम तोलिदी तो से क्यों है फिर यहाँ पे ये क्यों ये समझने की बात है मुसलमानों को अपने मजहब की का पूरा इल्म होना चाहिए कि क्या उनसे तो जा रही है एज मुस्लिम कमाल ये बताएं आप जब ये डील करते हैं गवर्नमेंट के साथ दूसरे लोगों के साथ तो क्यों ये प्रायरिटी बिकॉज ये तो एक आम आदमी को कॉमन सेंस का बेसिक सवाल है कि ये मेरे वसाइल हैं इनको मैंने बैलेंस आउट करना है और इसमें एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा है बीस घंटे हमारी बिजली इसलिए भी खाली करप्शन और कॉम्प्लेस नहीं है इसलिए भी नहीं है कि जिस मुल्क में हर वक्त साढ़े सात करोड़ पंखे चलने हो रोज़ाना तो फिर अगर वही आबादी काम होती शायद तीन करोड़ चलते जहाँ पर आपने स्कूल बनाने पड़ते हैं इस वक्त आपको पचास लाख शायद वो आपको बीस लाख बनाने पड़ते तो हर चीज़ रिसोर्स से भी लिंक्ड है ये बड़ा आसान सौदा है बेचने वाला क्यों नहीं गवर्नमेंट वगैरह को आप बेच सकते पॉलिसी मेकर्स को क्या आप लोग न लायक हैं कि वो लोग बेहि हैं मसला क्या है बिसम बहुत शुक्रिया मालिक साहब इस सब्जेक्ट की अहमियत को समझते हुए प्रोग्राम को डेडिकेट करना और हमें यहाँ पे बुलाने का भी बहुत शुक्रिया जैसे आपने ख़ुद कहा कि इस सेक्टर का जो सबसे बड़ा अलमिया मुझे नज़र आता है क्योंकि हमने देखा जैसे जेबा साहिबा ने फरमाया आपने फ़रमाया कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में जो हालात हैं वो हमसे बहुत बेहतर हो गए लेकिन जो वाद फ़र्क नज़र आता है उन लोगों में और हमें वो है हुक्मरानों का संजीदा या गैर संजीदा रवैया इस सब्जेक्ट की तरफ होना उन मुल्कों में हमने देखा कि उनका बहुत संजीदा रवैया है उन्होंने बहुत सीरियसली इसको लिया इस पर काम किया हमारे यहाँ अभी तक ये एक बहुत गैर संजीदा रवैया है इस सब्जेक्ट की तरफ और हम देखते हैं कि चाहे वो प्रोवेंशल लेवल हो चाहे वो फेडरल लेवल हो मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो उसको काफ़ी अनअट्रेक्टिव समझा जाता है और उसमें उसके लिए वो अट्रैक्शन नहीं समझी जाती इस सेक्टर में जो होनी चाहिए है ना कि इस सेक्टर का असर हर एक सेक्टर पे हो रहा है हम जब तक इसको संजीदगी से नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में और आप देखें कि जो थोड़ा बहुत फ़र्क है गवर्नमेंट खुद कहती है कि सबसे पहले इस सेक्टर में अगर काम शुरू किया तो एन ने स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया शायद गवर्नमेंट ने अपने मॉडल को उस लेवल पे चेंज नहीं किया जिस लेवल पे दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं जिस तेजी से दुनिया अपने मॉडल को चेंज कर रही है और जब तक गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट को संजीदगी से नहीं लेगी और यह बहुत ज़रूरी है कि पापुलेशन डे दे में देखिए हमारे पास एक इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है पिछले साल फैमिली प्लानिंग पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में पाकिस्तान का डेलीगेशन गया गवर्नमेंट का डेलीगेशन गया और जो कॉन्फ्रेंस के पेपर्स निकल कर आए उसमें जो वो कहते हैं कि सोलह मुल्कों की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है हमें सिर्फ इतना चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट शो करे डोनर्स को और वो पैसा गवर्नमेंट की तरफ आना शुरू हो जाएगा इन केस अगर के तो डिवाइड कर देते हैं एक होती है पोलिटिकल लीडरशिप जो पोलिटिकल है, एक है ब्योक्रेसी क्या ब्योक्रेसी हमारी सेंसिटाइज है आपका ब्योक्रेसी के बादशाह नहीं चलाते तो ऊपर तो बचारे इलेक्ट हो क्या उनको तीन साल तो समझने में गुजर जाती है जिंदगी जिंदगी आधी गुजर जाती है उनकी पार्लियामेंट्री जिंदगी बिरोक्रेसी तो बैठी हुई साठ साल से क्या बिरोक्रेसी सेंसिटाइज है क्या वो समझती है या नहीं है कि वो भी डैम वो मालिक साहब जैसे आपसे बात हुई कि एक तो अनअट्रैक्टिव मिनिस्ट्री है अनअट्रैक्टिव डिपार्टमेंट है तो ब्योक्रेसी जो आ रही है वो शायद उतना टाइम भी इस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में नहीं गुजार पा रहे कि उनका कैपेसिटी या उनका एक्सपीरियंस उस लेवल पर आ सके फिर दूसरा आप ये भी देखें कि नॉन टेक्निकल लोग लगाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कभी पॉलिटिकल वजह से कभी पॉलिटिकल एफिलियशन की वजह से तो वो भी इस सेक्टर को काफ़ी नुकसान दे रहा है यहाँ पर टेक आप देखें फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म हो गई ज़रा आप पता करवाएं कि उसके लोग कहाँ चले गए वो तो आ, किसी को रिलीजियस मिनिस्ट्री में लगा दिया किसी को किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दिया वो लोग थे जिन पर हुकूमत पाकिस्तान की

नहीं मैं एक्चुअली आई जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक टू योर क्वेश्चन हमने आ, ये इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफ़ किया और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ब्रीफिंग नहीं हुई हुई बहुत सी गैप्स हैं नॉलेज के मगर मुझे लगता था कि पहले के पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ज़्यादा गैप है आ, मगर इन द एंड हमें ये लगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को आप ब्रीफ़ करते हैं तो उनको एहसास काफ़ी जल्दी हो जाता है मगर करना जो काम है वो ब्यूरोसी ने जैसे आपने सही कहा और यहाँ आके मैं कमाल साहब की बात आगे ले जाना चाहूँगी कि एक तो पॉपुलेशन मिनिस्ट्री थी मगर हेल्थ मिनिस्ट्री जहाँ सर्विसेज ज़्यादा हैं उनकी स्प्रेड ऑफ सर्विसेज ज़्यादा है उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं यानी उसकी तरफ देखा ही नहीं ना उन्होंने डिलीवर किया और अब ये जो प्रोवेंशल डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ़ हेल्थ अगर तो ये ओन कर लें अपना प्रोग्राम तो मेरे ख़्याल से इससे बहुत फ़र्क जल्दी पड़ सकता है और सर्विसेज जब आएंगी तो आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं जो लंडन समिट की बात हो रही है की बात बढ़ाते हुए मैं ये कहूँ कि एटीनथ अमेंडमेंट के बाद ये डिवॉल्व कर दी गई प्रोविंस को दे दी गई मगर एयर मार्क फंडिंग क्लैरिफाई नहीं हुई उनको कहीं होगी मगर उनने उसकी पूरी तरह इदराक नहीं हुआ तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे कि आपकी दोनों की गुफ्तु से बल्कि वो साबित हो रहा है कि इस कौम की बका तरक्की और तहफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है उसका कोई वाली वारस नहीं मुझे समझ मुझे, मुझे आप एक बात बताइए खुद भी बेटी भी हैं माँ भी हैं आपने सारी भी दादी भी हैं लगती नहीं है वैसे ये यंग टू तो बी है दादी तो ये सारे आपके आपके रोल्स हैं पाकिस्तान में हम क्या गलत कर रहे हैं क्या इस इशू को एक विमेन इशू के तौर पे हमें लाना चाहिए क्या इकोनॉमिक इशू है क्या सोशल इशू है इसकी प्लेसमेंट क्या है आखिर क्यों समझ नहीं आ रहा लोगों को इतनी सादी सी बात ये तीनों इश्यूज इसमें आते हैं एक चीज़ नहीं होनी चाहिए वो कंट्रोवर्शियल इशू नहीं होना चाहिए इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कंट्रोवर्शियल क्यों है क्यों इस पे बात आती है और पीपल इतना एक इनलाइटेंड आदमी ल्फ़ार अली भुट्टो जब उसकी हुकूमत आई तो हेडलाइन मुझे नहीं भूलती कि मेरे उस वक्त रोंगटे खड़े हुए मैं नई नई इस मूवमेंट में आई थी एक लानत का खात्मा और वो लानत थी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ये इसको पोलिटिस करके उसमें वो अपनी मुसलमानियत जाहिर की गई और चूँकि इसके लिए फंडस आ रहे थे उनके और मकासद दरकार थे इसलिए इसको रौंदा दरगाह कर दिया गया सो so, ये इसको जो उसके ऊपर डिजर्व एम्फोसिस होना चाहिए था वो कभी नहीं so, दिया is... और गवर्नमेंट वाज नॉट नेवर बॉदर्ड ना वहाँ किसी को इसका फिक्र हुआ और जैसे कहा गया कि कोई टेक्नोक्रेड जिसकी बड़ी से होती गवर्नमेंट में वो था ही नहीं डॉक्टर साहब इसलिए भी इम्प्रेशन नहीं पड़ रहा कि जितनी बॉडीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा काम कर रही हैं वो सारी वेस्ट की हैं गोरों के मुल्कों की बैठी हुई हैं और वो एक इम्प्रेशन बन गया कि बिकॉज ये गोरों से चल रही है बात तो उनका वैसे भी फर्टिलिटी रेट हमारे से माशाल्लाह वो जरा इंसानों वाला काम करते हैं हमने तो रेस लगाई हुई है तो ये, उससे तो ज़्यादा इंप्रेशन नहीं बन गया तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये क्यों नहीं मिलकर इस पर काम करती एक एक मुस्लिम प्लेटफॉर्म बना के ईरान इंडोनेशिया सारे इकट्ठे व्हाई डज इट लुक लाइक अ वेस्टर्न थिंग टू फॉर अस देखिए साहब इन इट्स अ तो कॉन्ट्रडिक्शन ये जैसे ईरान है इससे ज़्यादा थियोक्रेटिक रजीम नहीं हो सकती व्हाट हैपेंड इज के डॉक्टर्स डॉक्टर्स की स्टैब्लिशमेंट एक्डेमिक्स उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई द पॉपुलेशन अराउंड वही चाह रहे हैं कि उनकी फर्टिलिटी इतनी हो उन्होंने फिर वो निगोसिएट किया रिलीजस क्लर्जी के साथ एंड अग्रीमेंट वॉज रीच बिकॉज वो एक नेशन है दे दे नो कि अवाम क्या चाहती है और आवाम को क्या देना चाहिए अवाम के लिए क्या बेहतर है और सब मान के और कंसेंसस बिल्ड हुई मेरा नहीं ख़्याल कि ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ़र्क है यहाँ हमें मुझे लगता है कि बहुत डिजंक्चर है कि जो हमारे हुक्मरान हैं और जो अवाम है उसमें एक डिस्टेंस है कि उनको पता भी नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं आप औरतों और तो मर्द की बात करें हमने अभी पंजाब में एक सर्वे छोटा सा किया अब तो मर्द भी ये चाह रहे हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ मैन से दे के उनको और मज़ीद बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल अब बहुत ज़्यादा और आपकी बात थोड़ी सी जो आप सराप से पूछ रही थे भी कि आई थिंक एक है कि इट शुड बी सीन एज अ डेवलपमेंट इशू जब तक हम डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में नहीं लाते हैं और अपनी इकनॉमिक ग्रोथ के फ्रेमवर्क में नहीं लाते हैं और पॉवर्टी रिडक्शन में नहीं लाते हैं मेरे ख्याल से वो फिर ब्यूरोसी ब्यूरोसी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगी अपने कमर्शियल ब्रेक लेना और आजीन आगे ये भी हम फैसला करने की कोशिश करेंगे कि एक इस्लामिक माशरा कौन सा हो सकता है जहाँ औरतें कैंसर से भी ज़्यादा सिर्फ इसलिए मर रही हैं कि वो माँ बन रही हैं क्या ये इस्लामिक माशरा है लोग गुरबत के हाथों खुदकुशियाँ कर रहे हों ये इस्लामिक माशरा है कि क्या इस्लामिक माशरा वो है जहाँ पर बेहतर मुसलमानों की रहने के हालात पैदा किए जा रहे हैं इससे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद ब्रेक के दर... दौरान मैं कुछ और स्टैटिफिक्स पढ़ रहा था और मैं क्या आपसे शेयर कर लूँ यह भी कोई इतने प्लेजेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है पाकिस्तान में जो माओ के मरने का रेट है शायद दुनिया में हाईएस्ट जो तीन चार रेट्स हैं उसके अंदर फिगर आउट करते हैं हम हर एक लाख में से दो सौ छिहत्तर औरतें वफात पा जाती हैं ट्वेल्वेंशन चलें औरतें तो छोड़ें आप लोग समझते हैं हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं लेसर पार्ट ऑफ पाकिस्तान है बच्चों पर हम सब की जान फंसी हुई है हर हज़ार में से छिहत्तर बच्चे मर जाते हैं अपनी जिंदगी के पहले साल में और उनका कसूर इस वक्त सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर रियासत और हमारे इदारे वो कुछ नहीं कर रहे जो करना चाहिए छोटी सी आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ एक होता है पोस्टमार्टम हेमरेज जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है खातान में और ख़ासतौर पर यंग बच्चियाँ जब माएँ बनती हैं दस रुपये की गोली है दस रुपये का पैकेट है अगर वह गोली खा लें वो बच जाती हैं हमारी बच्चियों को पता ही नहीं है और ये जितनी डेथ्स मैं आपको बता रहा हूँ उसका सताईस फ़ीसद ये लड़कियाँ इसी ब्लीडिंग से मर जाती हैं इसलिए नहीं कि उनके पास दस रुपये नहीं है इसलिए कि किसी ने उनको बताया नहीं है किसी ने जहमत नहीं की हुकूमत ने प्रायरिटी नहीं बनाई अपनी तरजीहत नहीं बनाई ये बच्चियाँ मर रही हैं ये माएँ मर रही हैं हम और ये हमारे बच्चे मर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के पाकिस्तानी गैरत और ये वो सब पे बातें करते हैं ये है पाकिस्तान ये है हमारी तरजीहत चाहते हैं सही आप ये बताइए इंसान जब ये देखता है डिप्रेशन भी होता है गुस्सा भी आता है क्या करें म, मालिक सबसे इन्हीं जो मुझे सहल इसका नजर आता है हल कुरान शरीफ में ये कम से कम दो तीन जगह आया है कि एक बच्चे का दूध का हक मां पे दो साल है अगर उसको लिया जाए वो स्पेसिंग आ गई स्पेसिंग ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि अगर माँ एक बच्चे को दूध पिला रही है ना वो सेहत के लिहाज से ठीक है ना उस बच्चे के लिए ठीक है कि वो दूसरे हमल में कोई में मतलब हो जाए तो दो साल ये और अगले नौ महीने अगर प्रेगनेंसी अगर वो फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाती है उसको लगा लीजिए तीन साल का वक़ा हो गया और मैंने जेबा बताएंगी मैंने ये पढ़ा कि अगर सारी दुनिया में बच्चों के दरमियान वक्फ़ा तीन साल हो जाए खासकर पाकिस्तान में उससे ना सिर्फ माओ और बच्चों की सेहत बेहतर हो जाएगी बल्कि हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बहुत हद तक सॉल्व यानी अगर कुछ ना करें कुछ हम करें। सिर्फ बच्चों के दरमियान वक्फा ही तीन साल डाल दें दिया जाए। तो, दिया। तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला खत्म हो जाएगा ये बहस ही छोड़ दें कि बच्चे ज्यादा करो कम करो सिर्फ तीन साल के वक्फे पे कर लो तो आधा मसला वही हमारा बेहतर हो जाता है थिंक क्योंकि बिल्कुल ये कोई दो राय ही नहीं है इस पे कि इस्लाम में ये बिल्कुल ही हीबूल है बल्कि ये कहा गया कि ये हक है बच्चे का भी हक़ है कि उसको दूध पिलाया जाए दो साल और ये बहुत इसके अच्छे असरत हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि दो बच्चे हों या छः बच्चे हों मगर उतनी बच्चे हों जो माँ की सेहत यानी वो सर्वाइव करें जिस तरह से आपने स्टेटस्टिक्स और ये मेटर्नल मोटेलिटी रेट जो आपने अभी जो बहुत हैरतनाक फिगर है पाकिस्तान के लिए इसको सबसे चीपेस्ट तरीका और इफेक्टिव तरीका कम करने का यही है वक्फा दो बच्चे लेकिन आप उनको सिखाएगा कौन के वक्फा कैसे करें क्योंकि हम एक कम्युनिकेशन कैंपेन में मैं आपका आप चार्ट देख रहा था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रसेप्टिवेज रेट्स वगैरह हैं ईरान में चौहत्तर फीसद आबादी को एक्सेस है जी बिल्कुल उनको पता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना और उनके पास है यहाँ पे तो अबॉर्शन तरीका बन गया शादी शुदा लोगों में भी बच्चे अपनी स्पेसिंग करने का अनफॉर्चुनेटली चौहत्तर फीसद वहाँ पे है छियासठ फीसद चौंसठ चो, फीसद आपका बांग्लादेश में है पाकिस्तान 30 से 35 फीसद के दरमियान फंसा रहा है बहुत मुश्किल से हम 35 तक पहुंचे हैं आज कमाल ये बताएं कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है ज्यादा बच्चों का कि जी क्योंकि ज्यादा बच्चे हों तो मर जाता है इंसान दो तीन बच्चे अगर खुदा ना खासा मर भी गए तो बुढ़ापे में फिर भी दो तीन बच जाएंगे जो उनका ख्याल रखेंगे इस आर्ग्यूमेंट का आप क्या जवाब देंगे लोगों को मलिक साहब हम आ, रिसर्च बता रही है कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं तो उससे पावर्टी में इजाफा हुआ है पॉवर्टी में कमी नहीं आई और शायद हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे इतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे लेकिन रिसर्च से बाकायदा साबित होता है कि कहीं पर उससे वो पावर्टी साइकिल टूटता नहीं है और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि हर हुकूमत का विजन होता है अपनी आबादी और अपनी पॉपुलेशन के बारे में जब हम कहते हैं कि ये कहाँ का फिनल है वेस्टर्न है कि ईस्टर्न है शायद उन लोगों का एक विजन है कि अपने पॉपुलेशन को वो किस तरीके से देखना चाहते हैं और कहाँ देखना चाहते हैं और हमें भी बड़ी उम्मीदें हैं इस हुकूमत से और आपके प्रोग्रामों में ही हमने देखा कि बाकायदा डिबेट होती है कि शायद ये लास्ट चांस है और शायद मैं भी उसी स्कूल ऑफ थाट से बिलीव करता हूँ कि दिस माइट बी द लास्ट चांस तो हमारे हुक्मरानों को यह देखना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पॉपुलेशन को कहाँ देख रहे हैं वो उनका विजन क्या है अपने पॉपुलेशन के बारे में कि क्या वो इसी तरह इनको देखना चाहते हैं या उनको एक बेहतर जिंदगी और बेहतर माहौल देना चाहते हैं और उसको प्रायटराइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली जहां भी फर्क आया है हुकूमत ने जब इसको स्ट्रांगली लिया है तब फर्क आया है और पॉपुलेशन में जैसे क्या, ने आपको क्या आप लोग आप लोग क्या साबित कर सकते हैं कि ज्यादा बच्चों का और उस खानदान की बढ़ती हुई गुरबत का डायरेक्ट लिंक है वो तो मालिक साहब हम सबके सामने ना तालीम दे पा रहे हैं ना उनको हल्की सहूलियात दे पा रहे है ना उनकी तरबियत कर पा रहे है वो बच्चे गलियों में रुलते फिर रहे हैं गलियों में बड़े हो रहे हैं तो हमने तो वो तो साबित हमें नजर आ रहा है और रिसर्चेज से बाकायदा साबित होता है लेकिन जब हम डेली लाइफ में देखते हैं हमें खुद नजर आ रहा होता है कि क्या तरबियत हो रही है क्या उनके सेहत के हालात हैं क्या उनके एजुकेशन के हालात हैं वो तो हमें हमारे सामने नजर आ रहा है बिल्कुल अच्छा ये बताया मुझे आ, सुरिया सुबह एक तो ओवरऑल मसला फिर यह पॉपुलेशन का फर्दर डिड हो जाता है गर्ल चाइल्ड में और मेल चाइल्ड में अब um, प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए आप लोग सेकेंडरी पॉपुलेशन है अभी तो हम आपकी ग्वई भी आदि पे बहस पे पड़े हुए हैं ना हम आपको नहीं मानते आप होंगे 52 परसेंट लेकिन इख्तियारत में हम शायद अगर आदमी प्रेग्नेंट होते तो ये मसले बड़ी जल्दी हल हो गए होते इतने आदमी मर रहे होते पर लाख के अंदर दो, दो सौ पचहत्तर छोड़ें अगर एक सौ पचहत्तर भी आदमी मरते होते पॉलिसी चेंज हो जाती वो तो और बात है जिस सोसाइटी में औरत प्रायरिटी नहीं है उसके राइट्स प्रायोरिटी नहीं है वहाँ पे फिर ये चीज़ किस तरह प्रायोरिटाइज करेंगे मालिक आपने एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त की जो आपने दूसरी की कि औरत प्रायोरिटी नहीं है और उस पर मैं बाद में आती हूँ पहले एक फैलेसी जो सिर्फ आपकी नहीं हर चैनल पे सुन सुन के मेरे कान पक गए और मैं हैरान हूँ कि जेबा जैसे पढ़े लिखे लीडर्स के मौजूदगी में ये कैसे बार बार दोहराया जाता है कि औरतें 52 टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ये बिल्कुल सरिहन गलत है हम तो 48 एट या फोर्टी नाइन परसेंट आप लोगों का शोर इतना कि इंसान को लगता है कि आप 70 और, बात है। है। और हम आपसे आप, आप इससे ज्यादा सुनेंगे अभी आगे <laughs> के लिए तैयार हो जाइए ये जो है ना और ये जो डिफरेंशियल है द मिसिंग वेमेन जिसको हम कहते हैं वो इसलिए है कि इस कदर निगलैक्ट है ऑफ द गर्ल चाइल्ड उसको बचा खुचा खाने को दिया जाता है वो बीमार हो जाए उसको डॉक्टर तक ले जाने की तकलीफ नहीं की जाती उसको एक गैर ज़रूरी इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है उससे काम लिया जाता है और फिर लंबे-लंबे दावत के माँ के पैर के नीचे जन्नत है और ये और वो मुनाफत ये है माशरे की और ये नहीं समझते कि माँ का माशरे की तरबियत और उसकी तकबीत में कितना बड़ा रोल है तो इसके ऊपर बड़ा गौर करना चाहिए और आपने एक और सवाल पूछा था कि ये वक्फ़े का जो कॉन्सेप्ट है नहायत सादा है और नॉन तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, है वो क्यों नहीं होता तो ये सवाल मैं आ, हेल्थ और पॉपुलेशन डिवीजन की फौज जफर मौज से पूछूंगी कि वो जाके यानी सारा वक्त डिलीवरी दिरिव, और इसकी बातें करते हैं ये एक सिंपल एजुकेशन यानी इनफॉम द पब्लिक का जो है इसको क्यों नहीं स्ट्रेस मुझे यहाँ कमर्शियल ब्रेक लेना नाजिन यही जैसे अभी सोईयापा आपने कहा कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे फिर हमें बताया गया कि क्यामत वाले दिन माँ के नाम से उठाए जाएंगे, और हम हमारा माशा कर हैं, हम माओ को इस ज़मीन से उठा रहे हैं और बेशर्मी से बेहसी से बैठे हैं क्या किया जा सकता है इस मसले पर क्या ये औरत का मसला है माँ का मसला है इस मुल्क का मसला है क्या किस तरह हम इसको देखें हमारे साथ रहिएगा जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद लाहौर कमाल मुझे बताइए आखिरी सेगमेंट में है क्या हम करें क्या मुझे कोई तीन चार ऐसी चीजें बताएं जो हो सकें इस मुल्क में जो हम कर सकें और जो मिनिमम होनी चाहिए क्या करें लेकिन जैसे जेबा ने कहा कि बहुत आसान हल है हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट है रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं तहसील हेड क्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है प्रोवेंशल हैडक्वाटर हॉस्पिटल हैं लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट इस सब्जेक्ट को या इस इशू पे काम करने के लिए बिल्कुल विलिंग विलिंगनिंग्स उनकी नहीं, नहीं नजर आ रही अगर ये इंटीग्रेशन पॉपुलेशन और हेल्थ प्रोग्राम की हो जाए सबसे पहला हल तो वहीं पर हमें बड़े विजिबल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और हम देखेंगे कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे कि बात हुई अभी, कि अभी अभी कमाल प्र, अभी प्रोविंसेस में कमाल किस तरह है? अलेदा, अलेदा, दो इंडिपेंडेंट चीजें चल रही हैं एक पॉपुलेशन डिपार्टमेंट चल रहा है एक हेल्थ डिपार्टमेंट चल रहा है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का जिसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के मुकाबले में वो इस पे काम नहीं कर रहे या इसको सीरियसली ले नहीं रहे अगर उस लेवल पे चेंज आ जाए तो आपको एक साल के अंदर बड़े विजिबल रिजल्ट नजर आएंगे ठीक है ठीक है इसके अलावा और पोलिटिकल विल अगर जैसे ज़ेबा ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज आई हमने टीवीज़ पे देखा कि प्रोग्राम हुए उन्होंने आकर जिक्र किया अपने मैनिफेस्टो के हवाले से किया लेकिन हल मैनिफेस्टो तक आना नहीं है इसको एक्शन में कन्वर्ट करना है कि जब हुकूमत में आ जाए तो उसको प्रायोरिटी बनाएं पब्लिक गैदरिंग में इसके बारे में बात करें और एक बाकायदा विजिबल इंडिकेट करें कि हाँ जी ये एक सब्जेक्ट है एक इशू है और पॉपुलेशन इशू को डेवलपमेंट इशू के अंदर रखा जाए और उस फ्रेमवर्क के अंदर ओनरशिप ओनरशिप ले ऑनरशिप एक्टली बिल्कुल सही कहा ओनरशिप ले ओनरशिप इसकी लें और इस आगे काम करें आता चलो सही आप असल चीज़ है बिहेवियर एटीट्यूड चेंज इसको हम चलें, मैं कहता खुदगर्जी से देख लें तो यही है, है। तो बताते हैं कि रोटी के एक पे, उसके बाद खत्म होती है बात एक तो हम ये एंगल दें और क्या करें जो साठ सालों में आप लोग नहीं कर सके मालिक साहब हमने सब कुछ किया मगर उस इंटेंसिटी से नहीं हुआ और उस स्केल पे नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और आपने कहा कि क्या आसान इसके हल हैं उनमें से एक ये है कि हुकूमत इसको जैसे कहा गया कि ओनरशिप ले और ज़रा इसके ऊपर एम्फेसिस को दूसरों को अपने साथ लेके चलते वो हमारे फोरम पे आके वो बिल्कुल उससे मुतफिक हैं क्योंकि हम ये इट इज़ अ डेवलपमेंट इशू इट इज़ रैशनल हम कुरान हदीस मुस्लिम कंट्रीज की एग्जांपल्स हेल्थ इश्यूज सारा कुछ बयान कर सकते हैं अजीब बात है एक इशू है हमारे तो पोलियो पे नहीं हो पा रहा कतरों पे तो भाई तो भाई बहुत बड़ी बात है minority, मगर एक इशू मैं फ्लैग करना चाह रही वो है ये झीपते हैं हमारी हुकूमत झींपती है हमारे मिनिस्टर्स हमारे पार्लियामेंटेरियंस उन्हें सम एंड ब्यूरोक्रेट्स आप मुझे कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जब उनको सेक्रेटरी पॉपुलेशन लगाया जाए विच इज ग्रेट ट्वेंटी टू पोस्ट इक्वल टू एनी अदर इकोनॉमिक अफेयर्स और एनीथिंग वो समझते हैं कि कुछ हमारी बेइज्जती हुई है खुडे लाइन लगा दिया खुडे लाइन और छुपते फिरते हैं और उनसे पूछा जाए कि आप किस डिपार्टमेंट है कुछ ये हेल्थ वेल्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह तो, तो, तो जाते होंगे वो काफी कंपनसेशन भी होती है ये वी हैव टू टेक द ब्लश आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड टॉक अबाउट इट एज यू सेड एज अ डेवलपमेंट हेल्थ एंड वेलफेयर इशू डॉक्टर साहब आइए मुझे बताइए बेस्ड ऑन योर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन ऑफ अदर मुस्लिम कंट्रीज भी जो हैं सब कुछ क्या क्या जिस तरह कमाल ने तो बड़ी अच्छी बातें कि ये बात बता रही है, क्या हम करें इसको हमने एक्चुअली uh, जो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो हमने ख़ुद ट्राई किया है पिछले पाँच साल से हम एक प्रोग्राम रन कर रहे थे फला के नाम से और सिवाय एक दो चीज़ें हमने की सिस्टम के साथ कोई नई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस की एक कम्युनिकेशंस आपस में जो प्रोवाइडर करता है जो डॉक्टर या पैरामेडिक करता है अपने क्लाइंट के साथ या हमने जो रिलीजस लीडर्स के साथ काम किया ये वक्फ़े का कॉन्सेप्ट ख़ानदानी बंदी छोड़ दें और बच्चों में वक्फ़ा माँ और बच्चे की सेहत के लिए तो सारे दरवाजे हमारे लिए खुल गए कम्युनिकेशन वाइज़ सर्विस डिलीवरी में मैं कहती हूँ कि हमें कम्युनिटी आउटरीच आपने बांग्लादेश की मिसाल दी ये नहीं होगा कि कोई देहात में बैठी हुई औरत को एकदम से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा अर्बन हमारी शहर में तो औरतों को काफ़ी अच्छी है। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स जहाँ हैं उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें पोलियो तो वो करती हैं मगर पोलो ही सिर्फ ना करें फैमिली प्लानिंग पे तो टैबलेट बता रहा था मैं तो हैरान रहेगा है कि दस रुपये में वो आपने बच्ची की जान बच जी हाँ बिल्कुल मीसो की और इमरजेंसी कॉन्ट्रसेपन है और बहुत सी चीज़ें लेडी हेल्थ वर्कर बहुत अच्छी तरह से क्योंकि वो घर घर जाती है और माँ से भी बात कर सकती है सास से भी बात कर सकती है लड़की से ये जवान लड़कियों से भी बात कर सकती है जिनकी बहुत कम उम्र में शादियाँ हो रही हैं जैसे आपने जिक्र किया था। असल मसला तो हम मर्द हैं मर्दों से कौन बात मैं मर्दों को इतना प्रॉब्लम नहीं देखती जितने आप देख रहे हैं क्योंकि मैं एक और आपको स्टेटस्टिक दूँ कि जो हमारी कॉन्ट्रसेप्टिव प्रम रेट है पाकिस्तान में उसमें जो मेजर तरीक़े इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त वो मर्द खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल से तो और घरों में भी कर रहे हैं कि बाहर गन किसी नहीं, तो नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, ये नहीं नहीं बिल्कुल घरों में कर रहे हैं और क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो आ, क्या कहते हैं बोझ पड़ रहा है फाइनेंशियल बोझ बच्चे पालने का और उनको स्कूल और सेहत के जो अखराजा वगैरह के हैं और ये इन्फ्लेशन जिसकी आपने रोटी तकसीम होने वाली वो तो मर्द पर ही पढ़ते हैं तो आई थिंक मेरे ख़्याल से मर्द भी ये बहुत शिद्दत से फील कर रहे हैं कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी है और हमने ये लास्ट ईयर ये एक प्लेज करके आए हैं हमारी हुकूमत ने किया है कि हम अब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बाय 2020 ट्वेंटी सब के लिए पाकिस्तानी सब गरीब अमीर के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में ये सर्विसेज मैंडेट्री होंगी और हमारा कॉन्ट्रसेप्टॉब्लम फिफ्टी फाइव और मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से हो सकता है अगर पोलिटिकल विल कमा, आप कमाल ये मुझे बताएं क्या कोई ऐसा ड्राइव होनी चाहिए कि जो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और बाकियों को फोर्स करे या कन्विंस करे जिस आपने बात की है कि ये इंटेग्रेट करें डिपार्टमेंट्स को, कोई समाइज कोई उस पर आप लोग काम कर रहे हैं कुछ मलिक साहब आपकी आपकी बात की तरफ आने से पहले मैं अगर काइंडली थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बताऊं जब हम कहते हैं कि 276 सेवेंटी सिक्स माएँ फौत हो रही हैं आउट ऑफ एवरी वन लैक आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि हर पच्चीस से तीस मिनट में एक माँ पाकिस्तान में फौत हो जाती है आप अंदाज़ा लगाएं कि एक घंटे के प्रोग्राम में जब हम बैठे होते हैं तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट दो से तीन माएँ इस दौरान फौत हो गई हैं जहाँ पर आपने कहा कि फोकस होना चाहिए लेकिन आप ये भी देखें कि जब पा डेवोल्यूशन हो गई है और एटीनथ अमेंडमेंट के नीचे ये प्रोविंस के पास चला गया है अभी तक तो हमें यही पता नहीं चल रहा है कि सेंटर में कौन अब इसको डील कर रहा है किसने बात करनी है किसने सूबों के साथ बात करनी है एटलीस्ट सेंटर में कोई फोकस यूनिट हो जो हर सूबे को कहे कि भाई आपने इस तरीके से इस प्रोग्राम को लेके जाना है हमारी ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है ये हमारी फेडरल पॉलिसी है वो ये कह रही है हर सूबे से बात की जाए कि आपने हमें क्या प्रोग्रेस देनी है इस हवाले से और यह बहुत ज़रूरी है कि कोई यूनिट हो जो हर एक के साथ बात करे हर एक को साथ लेके चले पार्लियामेंटेरियंस के साथ बहुत काम हुआ है इस सब्जेक्ट पे हमने बहुत उनकी विलिंगनेस देखी है बैरोक्रेट्स के साथ काम करने की जरूरत है कि उनकी कैपेसिटी उनके लेवल को उस लेवल पे लाया जाए और इस सब्जेक्ट की ओनरशिप स्टार्ट हो जाए हर लेवल पे बहुत शुक्रिया कमाल ऑफ टाइम बहुत शुक्रिया शीफा साहब बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया राजीन पाँच छः बातें निकली एक तो ये कि बड़ी और लॉजिकल बात है कि हेल्थ और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इनको जम करें वैसे ही मिनिस्ट्रिया में काम हो डिट्स काम हो नॉन प्रोडक्टिव खर्चे कम हों और प्रोडक्शन हम उसकी देखें क्योंकि उनके मीनिंगफुल रिजल्ट हैं दूसरा ओनरशिप लें ओनरशिप इसकी ये जो भी स्टैटिस्टिक आपने सुना है जिस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में दो से तीन माएँ मर चुकी हैं जब तक हम ये बात कर रहे थे जरा सोचें दो मिट्टी अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपकी वालदा इस वक्त दम तोड़ रही खौफनाक ख्याल आता है अब उन बच्चों का सोचें आने वालों का उन बच्चे पर जिनकी जवान माएँ जा रही हैं इसके अलावा यह बात हुई कि सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग क्लियर होनी चाहिए एक कन्फ्यूजन है सेंटर को नहीं पता सूबे का कर रहे हैं सूबों को नहीं पता सेंटर का कर रहे हैं और एंड में बड़ी सिंपल सी बात अगर आपसे कुछ नहीं होता खुदारा सिर्फ तीन साल का वकफा ही डाल लें कुछ ना करें कई हमारे आधे प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा जतीी तौर पर भी मुल्की तौर पर भी और सबसे बड़ी बात हमें और पॉलिसी मेकर्स को सबको सोचना चाहिए अगर इंसानी इशू आपको नहीं दिला पाए औरतों के लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है तो बड़े खुद तरीके से इसको माशी इशू के तौर पे डील कर लें इवन दैट मेक सेंस एवरी थिंग मेक सेंस एक्सेप्ट अ मदर डाइंगसेप्ट डाइंग एक्सेप्ट चिल्ड्रन डाइंग उसकी कोई सेंस नहीं बनती इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़